गौरक्षक गुंडे हैं। अगर गौ की रक्षा करने वाले को आप गुंडे कहेंगे तो बाजार में गौ की हत्या करने वाले को आप क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे आप उनसे? यहां अल्पसंख्यकों की बात करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुसंख्यकों की बात करना आप बंद कर दें यह बहुत बुरी बात है। यह देश, यह धर्म, हमारे देश में यह अनुमति देता है हमारा संविधान, यहां पर हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा और कोई एक दूसरे के धर्म पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का, भारत में रहते हुए भी लोग भारतीय लोगों के धर्म को सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं, सरेआम उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश में सब लोग मौन रहते हैं, सब शांत रहते हैं, और कोई बोलता है तो उसकी बोलती बंद करने की योजना बना लेते हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि कोई और बोलेगा, कोई बोलेगा, मैं वेट कर रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। वही 4 लोग जो पॉलिटिक्स में है, उस पर भी डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। इस सनातन धर्म के साथ अगर आप न्याय चाहते हो तो जिसने सरेआम गौ माता की हत्या बाजार में की है उसको भी सरेआम फांसी बाजार में ही देनी चाहिए, तभी इसका सही प्रतिफल हमारे सामने आएगा। केस चलाने से कुछ नहीं होगा, पार्टी में एक व्यक्ति ने निकाल दिया कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने यह सब किया है, जैसे गौ को सरेआम काटा गया है, वैसे सरेआम उसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसने अकेली गौ को नहीं, मेरे 33 करोड़ देवी देवता को काटने की कोशिश की है। आप ताली बजा देंगे लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे, मैं बोल दूंगा तो मुझे लोग बदनाम करने की साजिश कर देंगे, लेकिन मुझे डर किस बात का है? मुझे डर नहीं है, मेरा नाम नहीं था उससे पहले, जब मैं मुझे कोई जानता नहीं था तो मेरा नाम नहीं था। अब अगर मेरा नाम है, कोई मुझे बदनाम भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? यह शरीर मिट्टी है, आज नहीं तो कल इसे दफन होना है, जल जाना है। लेकिन हे भारतवासियों, याद रखो, क्या तुम अपनी मां के दूध को सही माने में सम्मान दे पा रहे हो? हम सबके सामने हमारे धर्म पर बार बार कुठाराघात आजाद भारत में हो रहा है, और इसके बावजूद भी हम लोग शांत बैठे, चुप बैठे। अब तो आ गई देश में मोदी सरकार, आ गई प्रदेश में योगी सरकार, लेकिन क्या धर्म अभी भी सुरक्षित है? क्यों राम मंदिर नहीं बन सकता? क्यों गौ हत्या पूरे भारत में बंद नहीं हो सकती? पूरे भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, ऐसा मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं। कानूनी अपराध होना चाहिए, गौ की हत्या करने वाले को फांसी होनी चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि भी इस बात को ध्यान से सुने, ये ना सोचें अकेले देवकी नंदन की आवाज है, ये सब उन हिंदुओं की आवाज है जो चाहे न बोले लेकिन वोट डालने जाते हैं, आपको वोट देते हैं। आज भारत सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरे भारत में गौ हत्या करने वाले को फांसी होनी चाहिए, ऐसा कानून भारत सरकार को लाना चाहिए, अवश्य लाना चाहिए। मुझे पता है ये किस प्रतिरोध में, क्योंकि भारत सरकार ने एक कानून पास किया है कि कोई भी व्यक्ति बाजार से कोई पशु नहीं खरीद सकता। कैसा? जिसको हम काट दें, इसके लिए भारत सरकार का साधुवाद दीजिए। उन्होंने गौओं की रक्षा करने का, पशुओं की रक्षा, अरे जो बोल नहीं सकते उनकी रक्षा कौन करेगा? ये इंसान इतना शैतान हो गया, जो बोल नहीं सकते उसे खा जाएंगे, उसे मार डालेंगे। गौ रक्षक 4 व्यक्तियों को पकड़ के मार देते, पूरे दिन मीडिया में गौ के रक्षक गुंडे बन गए, गुंडे बन गए, गुंडे बन गए, ऐसा आता है। लेकिन जो सरेआम गौ की हत्या कर देता उसको कोई नाम नहीं देते आप लोग?
क्या ये भारत है? मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जागो, खड़े हो जाओ, आने वाली पीढ़ी के ऊपर छोड़ के मत जाओ, हम ही को करना पड़ेगा जो कुछ करना है। भारत सरकार के आगे और एकदम जोर से आवाज उठानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा सिर्फ गौ हत्या करने वाले को फांसी की सजा हो, ऐसा कानून बने, राम मंदिर 19 से पहले बने। ये हम सबकी आपके आगे आवाज उठाने की जरूरत हमें होनी पड़ रही है, आज करनी पड़ रही है। हम सबको चाहिए आवाज। कौन कौन चाहता है गौ हत्या पर फांसी की सजा होनी चाहिए? जोर से बोलेंगे एक बार, जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। कौन कौन चाहता है 19 से पहले राम मंदिर बने? कौन कौन चाहता है 19 से पहले राम मंदिर बने? कौन कौन चाहता है 19 से पहले राम मंदिर बने? धन्यवाद आप सबका। और जिनको ये वीडियो मिला है या जो कथा सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक इस आवाज को पहुंचाएं, क्योंकि ये आवाज अकेले देवकी नंदन की नहीं, ये आवाज प्रत्येक भारतीय की है जो राम से प्यार करता है, जो सनातन से प्यार करता है, जो गौ माता से प्यार करता है, जो भारत की पवित्र धरती से प्यार करता है। ये आवाज उन सब की है। हमें गद्दी से प्यार नहीं, हमें धर्म से प्यार है, हमें सत्ता से प्यार नहीं है, हमें हमारे देश से प्यार है, हमारे गौ से प्यार है, हमारे राम से प्यार है, राम मंदिर बने इससे प्यार है। तो इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं और 19 से पहले राम मंदिर बने, ऐसी कोई योजना हम सब मिलकर बनाएं। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।